Hey guys, I am Jatin and you are watching Unknown 2.0. आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर में डुअल बूट लिनक्स को कैसे करते हैं विद विंडोज़। अब जैसा कि मैं विंडोज़ पे हूँ और हम लोग इसमें लिनक्स को डुअल बूट करेंगे, यानी विंडोज़ और लिनक्स दोनों एक साथ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को उसके लिए अपने एक फ्री स्पेस बनाना होगा, एक स्पेस अनएलोकेटेड करना होगा। यहाँ से क्रिएट फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन पर जाके क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन ये वाला ऑप्शन पे जाके और इसको यहाँ पे आप लोग को एक पार्टीशन क्रिएट करना होगा जो कि अनएलोकेटेड हो, फ्री स्पेस क्रिएट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बना लिया है अनएलोकेटेड स्पेस है, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। अब यहाँ पे एक स्पेस 4 GB का निकाल लेना है और उसके बाद आप लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और पेन ड्राइव को लगाते हो, पेन ड्राइव लगा लेना है अपने CPU में बूट टेबल पेन ड्राइव को और फिर Alt+F4 और इसको रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट कर लेना है, रीस्टार्ट होने के बाद जब ऐसे ही स्क्रीन ब्लैंक स्क्रीन आ जाए उसके बाद F9 प्रेस करते रहना है। जब आप लोग बूट करने लगे तो F9 प्रेस करते रहना है, उससे पहले F11 प्रेस करना है ताकि सिक्योर बूट को आप लोग डिसेबल कर दें। सिक्योर बूट अगर इनेबल्ड हो तो उसको डिसेबल कर दें। हाँ, F11 दबा दिए, डिलीट F, जिसका आपको जो भी कोई होगा वो दबाना है। तो मेरा क्योंकि डेल है COMS फेल प्रेस डेल की दबाना, मेरा डेल है तो मैंने डेल दबा लिया। अब सिक्योरिटी में सिक्योर बूट का ऑप्शन है, उसको डिसेबल कर देना है। मेरा ऑलरेडी डिसेबल्ड है तो मैं इसे डिसेबल नहीं रख, मैं जैसा जैसा है वैसा ही रहने दूंगा। उसको डिसेबल करने के बाद यहाँ पे इस फाइल का ऑप्शन पर चला जाना है और फिर सिक्योर इसको फाइल के ऑप्शन पर चले जाके और फिर इसको सेव चेंजेस एंड एग्जिट यहाँ पे आके और यस कर देना है, इंटर और इंटर। उसके बाद फिर अब F9, अब F9 दबाते रहना है आप लोगों को जब तक कि बूट सिलेक्ट डिबीट F9 और यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जो भी आपका पेन ड्राइव का नाम होगा वहाँ पे शो करेगा HP V32 PM। SATA वाला सिलेक्ट नहीं करिएगा और UEFI भी सिलेक्ट नहीं करिएगा, इसको सिलेक्ट करके इंटर करना है और फिर आपका बूट मैनेजर खुल जाएगा पेन ड्राइव में जो आपने बूटेबल बनाया था। ये कालीनेक्स है, मैं इसे सिलेक्ट करके इंटर कर रहा हूँ। यहाँ से हम लोग इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले ग्राफिकल इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ते हुए इसके अलावा से ऑप्शन पूछेगा इंग्लिश या हिंदी। ये माउंटिंग हो रहा है, इसमें इनवैलिड आया तो कुछ टेंशन का बात नहीं है, इनवैलिड आता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इनवैलिड आएगा। अब यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट करके इंटर कर देना है और ये उसमें इंडिया जिस कंट्री में है उस कंट्री को सिलेक्ट करके इंडिया ही हमारे इंडिया और फिर अमेरिकन इंग्लिश में डिफ़ॉल्ट रहने देना है इसको। और फिर ये हार्डवेयर को फाइंड कर रहा है, इंस्टॉलेशन मीडिया को माउंट करेगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो वेट करने। स्कैनिंग इंस्टॉलेशन मीडिया कंप्लीट होगा, फिर माउंटिंग होगा और फिर अब आएगा आप लोगों का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क और इसके बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क आएगा। तो मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये हो गया, अब ये नेटवर्क हार्डवेयर को अपडेट कर रहा है, अब ये वेटिंग फॉर, ये सब कुछ हो गया। अब ये DHCP ये एंडिंग बजा के कैंसिल हो जाएगा और ये कंप्लीट हुआ। अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फेल्ड हो गया तो कंटिन्यू करना है यहाँ पे और यहाँ पर डू नॉट कॉन्फ़िगर नेटवर्क एट दैट टाइम करके एंटर कर देना है। और यहाँ पे होस्ट नेम आप लोग जो चाहे वो रख सकते हैं, मैं निकॉन रख रहा हूँ, इंटर कर दें। और यहाँ पे होस्ट नेम आप जो चाहे वो रख सकते हैं, बस सब स्मॉल लिखें और फुल नेम यहाँ पे लिखना है आप लोगों को जतिन कुमार लिखने का। तो आप लोग यहाँ पे फुल नेम लिखने के बाद इंटर कर देना है और फिर यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है तो मैं यूज़र नेम जतिन कुमार लिखूँगा और यूज़र नेम में सब कुछ स्मॉल होना चाहिए और ये आप लोग को याद रखना है, अगर इसको भूल गए तो फिर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पासवर्ड भी आप लोग को याद रखना है, पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ IAMBACK। और यहाँ से अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से शो पासवर्ड पे क्लिक करके और पासवर्ड को देख भी सकते हैं। और यहाँ पर रीएंटर करना है आप लोगों को पासवर्ड और ये यहाँ पे इंटर कर देना है और हो गया ये। अब यहाँ पे आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन क्लॉक ये दिखता भी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है पार्टीशनिंग डिस्क।
यहाँ पे अगर गलती किया तो विंडोज़ उड़ भी सकता है और विंडोज़ ख़त्म भी हो सकता है, यानी कि आपके कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ तो। तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ये पार्टिशनर को स्टार्टअप कर रहा है ताकि हम लोग पार्टीशन कर पाएँ। अब यहाँ पे आप लोग को मैनुअल पर जाना है, और अगर आप लोग पूरा विंडोज़ नहीं रखना चाहते हैं तब आप लोग यूज़ इंटायर डिस्क पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ्री स्पेस मैंने जो बनाया था अनअलोकेटेड करके, उस पर आप लोग को इंटर करना है, उस पर जाके और क्रिएट, और यहाँ पे आप लोग को उतना स्टोरेज दे देना है जितना कि आप लोगों का रैम होगा उससे उतना माइनस करके इसमें दे देना है। तो मेरा 4 GB रैम है तो मैं 39 GB दे रहा हूँ इसको, 39 GB दे रहा हूँ मैं इसको, और कंटिन्यू इंटर कर देना है, और इसको बिगिनिंग पे सिलेक्ट करके, और ये पार्टीशन हो गया एक तो पार्टीशन। और यहाँ पे ये जो सेटिंग है इसको एकदम गौर से देख लीजिए, और इसका बूटेबल फ्लैग को ऑन कर देना है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है तो इसको फिक्स कर लेना है, जैसा सेटिंग्स दिख रहा है वैसा ही करना है, बूटेबल फ्लैग को यस करके आगे बढ़ जाना है, डन सेटिंग अप कर देना है पार्टीशन को और इंटर। अब ये हो गया, तो अब हम लोग का जो 4 GB का फ्री स्पेस बच रहा है उसको स्वैप एरिया में कन्वर्ट करना है, ताकि उसमें हम लोगों का सारा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ रहे उसको हम लोग कर पाएँ। अब यूजर्स पे क्लिक करके और यहाँ पे स्वैप एरिया सिलेक्ट कर लेना है, और स्वैप एरिया सिलेक्ट हो गया, अब इसका बूटेबल फ्लैग ऑफ ही रखना है, और डन सेटिंग अप द पार्टीशन और इंटर, और ये सब हो गया। यहाँ पे आप लोग को ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को लॉजिकल 39 GB BF EXT4 और नीचे में #7 लॉजिकल 33.9 GB, तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही दिखना चाहिए, एफ ए स्वैप और फिर लास्ट में स्वैप, और EXT4 के बाद एक स्लैश होना चाहिए। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिनिश पार्टीशन पर जाके, इसको कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक ही शो करेगा, यहाँ पे 6 और 7 दोनों शो नहीं करेगा, क्योंकि मैं दोनों को फॉर्मेट कर रहा हूँ इसलिए मेरा दोनों शो कर रहा है। अब ये फॉर्मेटिंग करेगा डिस्क, तो उसके बाद इंस्टॉल होगा। ये फॉर्मेटिंग हो रहा है, 6 पार्टीशन मेरा फॉर्मेट हो रहा है, SDA6 मेरा फॉर्मेट हो रहा है, और SDA7 भी फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग बेस सिस्टम, अब यहाँ पे सिस्टम आप लोग का इंस्टॉल हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसमें मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, एंडिंग पे पहुँचूंगा तो मैं फिर से रिज्यूम कर दूंगा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा इसका ये कंप्लीट होने तक का। उसके बाद आप लोग का सिलेक्ट एंड इंस्टॉल पैकेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलिंग बेस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, कॉन्फ़िगरिंग APT होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को यस पे क्लिक करके कंटिन्यू विदाउट नेटवर्क पे यस का क्लिक कर देना है, और ये इंटर कर देना है। और अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर आने के, जब यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन पूछेगा सिलेक्ट सॉफ्टवेयर, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग के पास टाइम है तो उसमें सब कुछ टिक कर दीजिए, सारा का सारा टिक कर देना अगर टाइम है आप लोग पास, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है पूरा इंस्टॉलिंग में, ये लगभग आधे घंटे भी ले सकता है, अगर CPU थोड़ा सा सही है तो आधा घंटा लेगा, और थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा लो एंड CPU है तो लगभग 1 घंटे भी ले सकता है, 45 मिनट, तो इसलिए आप लोग उस हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लें, और जो सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करेंगे उसको बाद में आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अब यहाँ पे हम लोगों को सारे सिलेक्ट कर लेने हैं, KDE प्लाज्म कम से कम, अगर आप लोग डुअल बूट करना चाहते हैं और सारा इंस्टॉल करने का टाइम नहीं है आप लोग पास, तो कम से कम KDE प्लाज्म और GNOME कम से कम सिलेक्ट कर लें, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल हो जाता है, और एट लास्ट में लार्ज डिफ़ॉल्ट ये तो मैं करूँगा ही, जो पहले सिलेक्टेड होगा उसको तो करना ही, जो पहले से सिलेक्टेड है नहीं तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, तो अब यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर देना है। अब ये जो है ये ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस कर लेगा, अगर कुछ बीच में आया तो मैं फिर से वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा और बता दूंगा, तब तक मैं वीडियो को फिर पॉज कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, लगभग 45 से आधे घंटे से 45 मिनट लेगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को लाइट DDM सेलेक्ट कर लेना है, ये GNOME इंटरफेस है, ये SGDM यानी कि ये XFCE KDE प्लाज्म है, और लाइट TDM XFCE है। आप तीनों का रिव्यू YouTube पे किसी भी चैनल पे देख सकते हैं, तीनों कैसा दिखता है देखने में इंटरफेस तीनों का, और उसके बाद आप सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। ये जो है आप लोगों का GNOME है, ये XFCE है, और ये SGDM जो है आप लोगों का KDE प्लाज्म है, तो मैं लाइट TDM सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है। अब ये ऑटोमेटिकली सर हर एक चीज़ होगा, और बीच में कोई ऑप्शन आएगा तो वही बात है, मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा वीडियो रिज्यूम करके।
तो अब ये हो गया है, सिलेक्टर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। अब ये ग्रब लोडर को इंस्टॉल करेगा, तो फिर उसके लिए हम लोग अब वेट कर लेते हैं। ये लगभग एक घंटे में हुआ है, क्योंकि मेरा सीपीयू कुछ इतना अच्छा है नहीं, इसमें एएमडी का प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 GB रैम है और 500 GB स्टोरेज है। तो अब ये ग्रब बूट लोडर को इंस्टॉल करेगा, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ही ये इसमें कोई क्वेश्चन पूछेगा या फिर ये सीएनओ करना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप लोगों को येस पे क्लिक कर देना है और इंटर क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर जो पहला वाला है ना, सेकेंड वाला आपका यूएसबी होगा, जिस जो बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव में तो इंस्टॉल करना है नहीं। तो ये जो होगा SDATA, यहाँ पर यूएसबी एचपी है तो वह हम लोग का पेन ड्राइव है, और SDA dev/SDA में इंस्टॉल करना है। SDB में कभी इंस्टॉल मत करिएगा, SDB में कभी इंस्टॉल नहीं। इंटर, और ये आपका ग्लब बूट लोडर इंस्टॉल हो जाएगा कुछ देर में, और उसके बाद हमारा विंडोज और लिनक्स दोनों डुअल बूट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग वेट कर लेते हैं इसके लिए में। और ये ग्रब बूट लोडर भी इंस्टॉल हो गया। अब ये लास्ट प्रोसेस है, फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन। तो ये भी जल्दी, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों का लेगा तो वो सिलेक्ट एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर लेगा, और सेकेंड नंबर पर अगर टाइम लेगा तो इंस्टॉलिंग बेस सिस्टम लेगा। ये दोनों सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये बाकी सब का सब जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अभी तो यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा होगा पूजा का, क्योंकि मेरे घर के पास में एक पूजा हो रही है, तो इसलिए आप लोगों को मैं भी साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो उसे इग्नोर कर दें, उसे वेट कर लेते हैं हम लोग फिर से। और ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट, ये लास्ट मैसेज आ चुका है इंस्टॉलेशन कंप्लीट का। अब यहाँ पर लिखा है इंस्टॉलेशन कंप्लीट, सो इट्स टाइम टू बीट बूट इनटू योर न्यू सिस्टम, मेक श्योर यू रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया सो दैट यू कैन बूट इन द न्यू सिस्टम रादर देन रीस्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन। तो अब हम लोग ऐसे ही इस पर इंटर पर क्लिक करेंगे, बस हम लोग को पेन ड्राइव निकाल देना है, जो भी हम लोग का मीडिया है इंस्टॉलेशन मीडिया। मेरा तो ये पेन ड्राइव मैंने लगा रखा है यहाँ पर, तो ये है मेरा पेन ड्राइव, तो मैं इसे निकाल दूंगा जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करूँगा। कंटिन्यू में इंटर करना है, आप लोग को निकाल देना है पेन ड्राइव। तो मैं इंटर कर देता हूँ, इंटर किया और ये हुआ कंप्लीट, और ये अनमाउंटिंग फाइल सिस्टम्स हो रहा है। और जैसे ही ये स्क्रीन आया और ये ब्लैक हुआ, बस पेन ड्राइव निकलता निकाल दीजिए। पेन ड्राइव मैंने निकाल दिया है, अब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा मेरा पेन ड्राइव, मैंने इसे निकाल दिया है। अब ये हम लोग का डुअल बूट हो चुका है। अब इसमें आप लोग विंडोज 10 सेलेक्ट करना है, विंडोज 10 सेलेक्ट कर लीजिए, कार्लिनक्स सेलेक्ट करना है, कार्लिनक्स सेलेक्ट कर लिया, मैं कार्लिनक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आप लोगों ने जो यूज़र आईडी दिया था और पासवर्ड दिया था, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को चीज़ों को आपको याद रखना है। तो हम वेट कर लेते हैं, और ये कार्लिनक्स का इंट्रो है। तो ये हमारा लिनक्स हो गया है बूट, और अब हम लोग ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था उसे यहाँ पे टाइप कर लेना, जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो हम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड दिया था उसे यहाँ पर टाइप कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसे टाइप कर लेता हूँ, तो मैंने अभी इसे टाइप कर लिया है, अब मैं इंटर करूँगा और मैं लॉगिन हो जाऊँगा, और ये खुल रहा है। और ये हमारा लिनक्स हो गया है ओपन। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं लिनक्स हमारा हो गया है ओपन। और तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।